नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर एग्जाम में, अगर आप यूपीपी का एग्जाम देने जा रहे हैं या आगे आने वाले वीडियो के एग्जाम है या रेलवे के एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन वर्बल रीजनिंग का सेक्शन है और इसमें से लोग कन्फ्यूज होते हैं त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने में। तो बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा, सेकेंडों में आप तुरंत पता कर लेंगे। तो इसका तरीका क्या है समझते हैं। ये सपोज दैट एक त्रिभुज है, ये इस तरह से, ठीक। अगर इसमें एक लाइन इस तरह से खींची हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप ऐसे काउंट करते हैं 1, 2, 3 इस तरह से। एक तो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा हमारा, एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, ठीक है, एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा और एक त्रिभुज ये बाहर वाला जो त्रिभुज है पूरा। तो इस तरह से कितने त्रिभुज हो जा रहे हैं, 3 त्रिभुज हो जा रहे हैं। तो इस तरह से काउंट करने का समय नहीं होता है। अभी तो मान लीजिए छोटा है तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसको काउंट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए कितने पार्ट हो रहे हैं बेस में इसके, 1, 2, तो आप इसको जोड़ लीजिए, 1 + 2 कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 1 + 2। जितने भी नीचे ये बेस जो है ना, आधार जो है, आधार को ये जो ऊपर से रेखा आ रही है वो जितने भागों में बांटती है उतना आप नंबर डालते जाइए और उसको काउंट कर लीजिए, बहुत आसान तरीका है। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है, इसमें मैंने 3 लाइनें खींच दी। अब इसको काउंट करने के लिए क्या तरीका है, यहाँ पे लिखिए 1, 2, 3, ये 3 भाग हो रहे हैं ना। अब इसको ऐसे जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 3, 2, 5 और 1, 6, इस तरह से कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है ना, आसान। अब इस तरह से ये चाहे जितना बड़ा हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब और हम इसका सेगमेंट कर लेते हैं, यहां पे देखिए 1, 2, 3, 4। अब इसके कितने, ये जो आधार है इसके 4 भाग हो गए ना, तो इसका पता करना है तो आप सबको क्या करिए, आसानी से 1, 2, 3 + 4 सबको जोड़ दीजिए, 4 × 3 = 7, 2 + 9 = 10, कितना आसान है। इस तरह से आप कर सकते हैं, चाहे जितने भी ट्रायंगल हो आप आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको और टफ बनाते हैं। एक मान लीजिए त्रिभुज ऐसे है, ठीक, और इसमें अगर ये 2 सेगमेंट है, 1, 2, 3, और हम इस पर 2 लाइन और खींच देते हैं। अब पता करना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप काउंट ही करते रह जाएंगे, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका भी तरीका यही है कि आप यहाँ पे नंबर डाल लीजिए 1 और 2, ठीक। तो इसको आप जोड़िए, 1 + 2 + 3, ठीक, जितना आएगा उसको आप यहाँ पे कितनी लाइनें हैं, लाइनें हमको देखनी है। यहाँ पे हम देखते थे कि आधार में कितने हिस्से हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं ना, तो 2 + 1 = 3 कर दीजिए, जितनी लाइन हो उसमें 1 जोड़ के आप 3 करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 5 और 1 = 6, 6 × 3 = 18, क्लियर। चलिए और करके देखते हैं, और बड़ा बना लेते हैं इसको, 1, 2, 3। अब इसके भाग देख लीजिए, और हमने इसमें 3 लाइन खींच दी। अब देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ देखिए 1, 2, 3, ठीक। तो 1, 2, 3, 4 का योग कितना आया था, 10 आया था, 1 + 2 + 3 + 4, और यहाँ पे कितनी लाइनें हैं, 1, 2 और 3 लाइनें हैं ना, तो 4 से गुणा कर दीजिए, ठीक, 4 × 3 = 7, 2 × 9 = 10, तो 10 × 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40। आप इसको काउंट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग बना लीजिए ऐसा ही अपनी कॉपी पे, ठीक है। अब इसके बाद हम एक आकृति लेते हैं, वर्ग या आयत अगर हो। एक क्वेश्चन आता है कि उसमें अभी ये त्रिभुज बना था तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, और अगर वर्ग या आयत बना हो और उसमें अगर आपको पता करना हो तो आप कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ग है, ठीक, अब इसमें मैंने ये 2 डायगोनल खींच दिए, ठीक है, ये एक वर्ग है या आयत है जो कुछ भी हो। इसमें हमने क्या किया, ये दोनों विकर्ण इसमें खींच दिया गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है,
त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है। तो अब इसको आप तो एक काउंट करें भाई, एक तो त्रिभुज ये वाला हो गया, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज, चार त्रिभुज ये हुए, ठीक। और कौन सा त्रिभुज होगा? एक त्रिभुज आपका हो जाएगा, ये चार त्रिभुज हो गए ना, और एक त्रिभुज ये वाला होगा, और एक त्रिभुज, सॉरी, एक त्रिभुज ये वाला होगा, ठीक। तो एक दो तीन चार, चार हो गए, और एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, और एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा। कितने हो गए? ये आपके आठ त्रिभुज हो गए। त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? आठ हो गई, ठीक है। इसमें त्रिभुजों की संख्या आठ। अब अगर इसको हम, इसका एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए, आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या लिख देते हैं यहां पे, आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या केंद्र से जाने वाली रेखाओं की दोगुनी होती है। आयत आयत या वर्ग में कुल त्रिभुजों की संख्या केंद्र से होकर जाने वाली रेखाओं की दोगुनी होती है। अब इसमें देखिए केंद्र से कितनी रेखा, ये एक और दो ही रेखा तो जा रही है, ठीक है। तो केंद्र से होकर जाने वाली रेखाओं की दुगनी होती है। तो अब इसमें देख लीजिए, इसको हम समझते हैं कि कितनी रेखाएं इससे होकर जा रही हैं। जैसे मैंने ये बनाया था त्रिभुज, सॉरी, ये मैंने बनाया था वर्ग या आयत जो भी हो। तो अब केंद्र से एक रेखा ये जा रही है, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, कितनी रेखाएं जा रही है? चार। तो चार गुणे दो बराबर आठ, मतलब केंद्र से होकर जितनी भी रेखाएं जा रही है उसकी कितनी हो जाएगी? दो गुनी हो जाएगी। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अगर मैं ये बनाऊं इस तरह से, एक ये बना दिया, अच्छा चलिए ये ऐसे बनाते हैं, ठीक, ये हो गया। तो इसमें हमने देखा था कि आठ है, इसमें आठ है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। लेकिन अगर ये सिरा इससे मिल जाए इसी तरह, जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये बनाया, इन दोनों त्रिभुज, इन दोनों वर्गों को अगर आपस में मिला दिया जाए, ठीक। अब अगर इसमें पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप इसको काउंट करेंगे तो आप कहेंगे आठ दूनी 16। 16 नहीं होगा दोस्तों, और संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। जब दो आयत या दो वर्ग आपस में मिल जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, तो इसको जंक्शन इंपैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन इंपैक्ट। और जब भी जंक्शन इंपैक्ट होगा तो जितने जंक्शन इंपैक्ट किसको कहेंगे? जैसे ये रेखा जो है ये दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो गया? जंक्शन इंपैक्ट। और जब भी जंक्शन इंपैक्ट होगा तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या वो दो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? दो बढ़ जाएगी। तो इसमें कितना हो जाएगा? 8+8+2 इज इक्वल टू 8, 8, 16 और 2, 18। कितना हो जाएगा? 18, ठीक। यहां पे देखिए, दो वर्ग या दो आयत अगर आपस में मिलते हैं तो उनकी जो कॉमन रेखा है उसको जंक्शन इंपैक्ट बोलते हैं। और जब भी जंक्शन इंपैक्ट होगा तो त्रिभुजों की संख्या दो बढ़ जाएगी। ऐसे आपको याद रखना चाहिए कि इसमें आठ होते हैं, इसमें आठ, और अगर वो मिल जाएगा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। चलिए और करके देखते हैं। एक बनाया हमने, दो बनाया, तीन बनाया, ठीक। अब इसमें जो है, इसमें जंक्शन इंपैक्ट, कितनी कॉमन रेखाएं हो रही हैं? इसमें आपके जंक्शन इंपैक्ट बन रहा है, एक तो ये बन रहा है, एक ये, दो बन रहा है ना। तो इसमें कितने होंगे? आठ। इसमें कितने होंगे? आठ। इसमें कितने होंगे? आठ, आठ 16, 8+3=24 प्लस एक में मैंने बताया था कि दो बढ़ते हैं, तो दो यहाँ पे कॉमन रेखा है, तो दो जंक्शन इंपैक्ट है, तो इसमें कितना हो जाएगा? चार। तो 8+16, 8+3=24 और 4=28। तो इस तरह से चाहे जितना बड़ा हो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इसमें एक और बढ़ा दिया जाए इसी तरह, अगर इसमें एक और बढ़ा दे, ठीक है,
अगर हम इसमें एक और बढ़ा देते हैं, ठीक, तो अब कितने जंक्शन इंपैक्ट हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। तो अब इसमें कितना जोड़ देंगे, अब इसमें जोड़ देंगे प्लस आठ, भाई एक दो तीन चार, ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ और ये चार हुआ, तो एक दो तीन चार यानी आठ चौ बत्तीस और प्लस एक दो तीन, तो दो दो चार दो छः, ठीक है छः। इसको ऐसे लिख सकते हैं आठ गुणे चार प्लस दो गुणे तीन कितना हो जाएगा, आठ चौ बत्तीस और प्लस छः, बत्तीस और छः कितना हो जाएगा अड़तीस। तो इस तरह से चाहे जितनी भी बड़ी आकृति होगी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्लियर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता है और इसमें मोस्टली लोग गलत कर जाते हैं। धन्यवाद।